अभी कई तरह के दांव पेच चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आज अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की, वहाँ बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। कार्यकारिणी ने 4 प्रस्ताव पारित किए और आगे के सारे निर्णय लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे जी को दे दिया। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक मत में, बहुमत में ये निर्णय लिया है कि शिवसेना का नेतृत्व माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी करेंगे, और कोई भी जो लोग गैर कानूनी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। शिवसेना की तरफ से कुछ बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने की बात भी चल रही है। विधानसभा के उपाध्यक्ष की तरफ से 16 विधायकों को नोटिस देकर कहा गया है कि सोमवार को शाम 5:30 बजे तक अपना पक्ष रखें। हालांकि शिंदे गुट का कहना है कि उनके खिलाफ विधानसभा की सदस्यता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास शिवसेना के ज्यादातर विधायक हैं। आज शिंदे ने अपने समर्थन में 38 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाली चिट्ठी भी जारी कर दी। उधर ऐसा लगता है कि शिवसेना इस सारे मामले को कई मोर्चों पर लड़ने जा रही है। इनमें एक है कानूनी मोर्चा। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत की बात से तो यही लगता है, सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी, और उसके बाद में घमासान होगा। सबसे बुरी बात क्या होगी कि कहा जाए, कहीं भी जाए, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले, कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। उधर शिव सैनिक सड़क पर संघर्ष करने की बात भी कर रहे हैं। उद्धव जी के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे अपने पिता और अपनी पार्टी को राजनैतिक संकट से निकालने के लिए सुपर एक्टिव हो गए। आदित्य ने कई रैलियां की और अभी और करने जा रहे हैं। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी दम ठोकते हुए आ गई है। आदित्य एकदम से एंग्री यंग मैन बन गए हैं। आई हेच बोलत होती की धोका मित्र पक्षाने दिला असता तर समजू शकलो असतो, पण 2 मित्र पक्ष जे आपल्या 25 वर्ष विरोधात होते, आपण त्यांच्या विरोधात लढलो, ते सोबत आले आणि ते सतत सांगतात की आम्ही उद्धव साहेबांच्या सोबत आहोत, उद्धवजींच्या सोबत आहोत, असे मित्र पक्ष आपल्याला लाभलेले आहेत, पण धोका कोणी द्यावा। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी कम आंकना ठीक नहीं होगा। उनके समर्थक ठाणे में सक्रिय हो गए हैं और उनके समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो भी अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा बाला साहेब शिवसेना। इतना सुनते ही तो बात बाप पर पहुंच गई। जाओ पहले अपने बाप के नाम पे पार्टी बनाओ, उसके बाद तुम जिसके भी नाम पर पार्टी बनाना चाहते हो बना लेना। आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो, बाला साहेब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं, हो हमारे बाप है पार्टी के, आप अपने नाम से वोट मांगो ना, हिम्मत है तो जी। इधर शिंदे साहब ने बाल ठाकरे की विरासत पे दावा ठोकने का दावा किया, और उधर शिवसेना के कार्यकारिणी की बैठक में फौरन यह फैसला कर लिया गया कि बाला साहब के नाम का कोई और उपयोग नहीं कर सकता है और इसके लिए पार्टी चुनाव आयोग भी जा सकती है। वैसे एकनाथ शिंदे ठाणे के बाहुबली माने जाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की पेचीदगियां आ गई हैं। सड़क से लेके विधानसभा में जोरदार मुकाबले की स्थिति बन गई है। ये तो तुमने बताया नहीं कि शरद पवार जी क्या कर रहे हैं। देखने में तो ये आ रहा है कि पवार साहब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति की एक चाबी पवार साहब के पास पिछले 42 साल से हमेशा रही है और आज भी है। चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और अध्यक्ष के सारे अधिकार उपाध्यक्ष नरहरि जरवाल के पास हैं, जो शरद पवार की पार्टी NCP के हैं। अब देखना है कि जरवाल जी क्या करते हैं। हालांकि उनको पद से हटाने का अभियान भी शिंदे गुट शुरू कर चुका है, लेकिन जब तक जरवाल जी अपने पद पर हैं इतना तय है कि वो जो भी करेंगे उसमें पवार साहब की रजामंदी तो होगी। वैसे पवार साहब उस क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह है जो मैच हारने के बाद एम्पायर बन जाता है और फिर विरोधी टीम को हराने में लग जाता है। मतलब ये कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार न भी रहे तो पवार साहब की पार्टी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी होगी जिसकी राजनीति में अपनी ताकत होती है। तो पवार साहब का ऐसा है कि चित भी उनकी पट भी उनकी। रियल टेंशन तो उद्धव ठाकरे जी का है, लेकिन एकनाथ शिंदे की टेंशन भी कम नहीं है। बोले तो दोनों तरफ बरोबर की टेंशन है और बरोबर की टशन।
पूर्णिया सिटी जानिए। कुड़िया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।